Hello brilliant students, this time we are doing for class 9th exercise 9.2 question number 6. देखिए question number 6 में क्या है, a farmer was having a field in the form of a parallelogram PQRS. एक farmer है जिसके पास PQRS के रूप में एक field है, PQRS. ओके, ये field पैरेललोग्राम शेप का है. शी टुक एनी पॉइंट ए ऑन आर एस एंड ज्वाइंट इट टू पॉइंट्स पी एंड क्यू. वो आर एस के ऊपर कोई एक पॉइंट लेती है जिसका नाम रखा गया है ए, और इस ए को फिर वो पी और क्यू से मिला देती है. ओके, आगे है क्वेश्चन फर्स्ट, इन हाउ मैनी पार्ट्स द फील्ड इज डिवाइडेड. ये जो फील्ड है अब ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया है. ऑब्वियसली आप देख रहे हैं 1, 2, 3, तीन पार्ट्स के अंदर ये फील्ड डिवाइड हो चुका है, तो इसका आंसर होगा 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट आर द शेप्स ऑफ दीज पार्ट्स. इन पार्ट्स की शेप क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रेंगल्स. तीनों ही ट्रेंगल है ना. अब नेक्स्ट है, द फार्मर वॉन्ट्स टू सो वीट एंड पल्सेस इन इक्वल पोर्शंस ऑफ द फील्ड्स सेपरेटली, हाउ शुड सी डू इट. जो फार्मर है वो चाहती है कि वो वीट और पल्सेस को बराबर बराबर एरिया में इक्वल पोर्शंस में उगाए, तो वो ऐसा कैसे कर सकती है. तो एक बार तो मैं डायरेक्टली देख लेते हैं इस चीज़ को. देखिए आपको पता है कि जो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल और पैरेललोग्राम दोनों सेम बेस पी क्यू पर है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, तो इसका एरिया टोटल के एरिया का आधा होगा, राइट. तो अगर ये टोटल का आधा है तो बचा हुआ भी तो आधा होगा, ये वाला और ये वाला. तो जिसका मतलब ये क्या हुआ, वो ये कर सकती है कि वीट इस एरिया में उगा दे और पल्सिस इन दो में, या फिर इन दो के अंदर वीट उगा दे और इसमें पल्सिस. तो वो ऐसा करके अपनी जो विश है उसको फुलफिल कर सकती है. ओके, तो इसको स्टेटमेंट कैलकुलेशन के रूप में, स्टेटमेंट के रूप में देखते हैं. लेट अस सी, बिकॉज ट्रायंगल पी ए एस एंड पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस लाई ऑन द सेम बेस, बेस कौन सा है, पी क्यू, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स पी क्यू एस आर. ये हो गए दो पैरेलल्स, दैट इज पी क्यू पैरेलल टू एस आर. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस. ओके, थ्योरम की वजह से ऐसा हो गया, फैक्ट की वजह से ऐसा हो गया. थ्योरम तो नहीं दी हुई है इसकी, ये फैक्ट ही होता है. 9.1 थ्योरम के बाद एग्जाम्पल में हमने इसको प्रूव किया था. ओके, अब क्या चीज है, आपको पता है कि इस पैरेललोग्राम का एरिया कैसे बन रहा है, इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, एरिया ऑफ पी ए एस प्लस एरिया ऑफ क्यू आर ए प्लस एरिया ऑफ पी ए क्यू इजिकल टू एरिया ऑफ पी क्यू आर एस. तो एरिया ऑफ पी ए एस प्लस एरिया ऑफ क्यू आर ए प्लस हाफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, क्योंकि ये इसका आधा है.
अब स्टेटमेंट के रूप में तो नहीं कह सकते कि बचा हुआ भी आधा होगा, इसको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो क्या हुआ, ये उधर जा कर के माइनस हो जाएगा, एरिया ऑफ पी ए एस प्लस एरिया ऑफ क्यू आर ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू आर एस माइनस हाफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। पूरे में से हाफ माइनस करिए तो हाफ ही बचता है, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। ये चीज लिख देंगे, एरिया ऑफ पी ए एस प्लस एरिया ऑफ क्यू आर ए। तो ये प्रूव हो चुका है कि ये बचा हुआ पार्ट भी पूरे का आधा है। तो स्टेटमेंट जो होगी नेक्स्ट वो क्या होगी, सो सी कैन सो वीट इन ट्रायंगल पी ए क्यू एंड पल्सेस इन रिमेनिंग टू ट्रायंगल्स और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा। तो इस तरीके से वो अपनी जो विश है वो फुलफिल कर सकती है। ओके स्टूडेंट्स, दिस वे वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 9.2। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू सम मोर थ्योरम्स। टिल देन हैव अ नाइस टाइम एंड